नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेश पुरी। शिक्षक भर्ती में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत राहत बड़ी खबर है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने बताया है कि हाई कोर्ट ने जो कल रोक लगाई थी, वो रोक जो है वो नियुक्ति प्रक्रिया पर है, नियुक्ति पत्र को लेकर है कि 4 सितंबर से पहले आप जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको आप नियुक्ति पत्र नहीं दे सकते हैं, न कि प्रक्रिया पर रोक लगाई है। और 14 जुलाई तक जो आवेदन करने की तिथि रखी गई है वो अनवरत रूप से चलती रहेगी, और जितने भी छात्र हैं जो अप्लाई कर रहे हैं वो 14 जुलाई तक अपना अप्लाई करते रहें। आपको बताते चले कि कल पटना हाई कोर्ट में CTET के मामला को लेकर एक रिट दायर किया गया था, और उसकी सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने 4 सितंबर के लिए जो शिक्षक भर्ती है उस पर रोक लगा दी थी, और सरकार से एक जवाब मांगा था कि क्या नियमों में फेरबदल करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। इसका जवाब देते हुए रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि प्रक्रिया पर रोक हाईकोर्ट ने नहीं लगाया है बल्कि नियुक्ति पर लगाया है। तो एक बहुत बड़ी राहत वाली खबर है, क्योंकि 94,000 शिक्षकों की बहाली जो है इस प्रक्रिया के तहत हो रही है। और आपको बताते चलें, ये प्रक्रिया जो है इसलिए इसमें लेट लगा क्योंकि DL.ED वाले जो हैं वो लोग अपने कोर्स की मान्यता के लिए हाई कोर्ट चले गए थे। जो 6ठे चरण का नियोजन पत्र जारी हुआ था, जो नियमावली जारी हुई थी, उसमें बताया गया था कि केवल जो BEd की डिग्री लिए हुए हैं वही शामिल हो सकते हैं, जिसके खिलाफ जो DL.ED वाले हैं वो हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार को नियोजन प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करना पड़ा, और जो भी अप्लाई पुराने कर चुके थे उन्हें दोबारा अप्लाई नहीं करना था बल्कि सिर्फ DL.ED जो पास अभ्यर्थी थे उन्हें ही अप्लाई करना था। लेकिन मामला तब फंसा कि जब नवंबर 2019 तक DL.ED करने वालों को मौका दिया गया और दिसंबर 2019 में जो CTET पास थे उनको मौका नहीं दिया गया, तो इसके खिलाफ छात्र जो हैं अभ्यर्थी वो हाई कोर्ट चले गए, और हाई कोर्ट ने शिक्षक की जो अब कहें तो नियुक्ति जो पत्र है उसको 4 सितंबर तक देने को नहीं कहा है, और राज्य सरकार से एक जवाब मांगा है जो कि 4 सितंबर तक दे देना है, और 4 सितंबर को इस पर सुनवाई होगी। तो एक राहत बड़ी खबर है, क्योंकि बहुत बड़ी ये जो भर्ती प्रक्रिया थी, 94,000 शिक्षक प्राथमिक शिक्षकों में भर्ती होना था, इसके अलावा भी बिहार में बहुत सारे शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। तो यही अपडेट है, और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल आप अप्लाई करते रहें अपने नियोजन केंद्रों पर जाके। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।